गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं आ गई हूँ एक नए डिज़ाइन के साथ। तो मैं बनाने जा रही हूँ एक नया डिज़ाइन। सिंपल सिंपल ही है बट दिखने में अच्छा लगता है, अच्छा है। इसका साइज़ है, इसका लेंथ है 14.5 है और इसका जो साइज़ है 8.5 है, ओके 34 इंचेस। और मैंने मार्जिन के लिए 3 इंच एक्स्ट्रा रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और मैंने यहाँ से नॉर्मली राउंड नेक कट कर लिया है और उसका आर्म होल है 6 इंच और इसका शोल्डर है 3 इंचेस। और यहाँ पे मैंने नीचे के साइड से 3 इंच लिया है, ऊपर के साइड से नेक जो है उसको 2.5 लिया है। तो अपने अकॉर्डिंग आप साइज के बड़ा छोटा कर सकते हैं, भी आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने इसको 4.4 लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, वो स्टिचिंग में जाएगा। ये हमारा क्लॉथ है और हम यहाँ से नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं हमेशा नीचे से ही बनाती हूँ, पट्टी नहीं लगाती। आप कमर पट्टी भी लगा सकते हैं। और अभी हम यहाँ से इसको पूरा फिक्स करेंगे, उसके बाद डिज़ाइन इस पर हम बनाएंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और पूरे नेक पे इसको हम ऐसे ही फिक्स कर लेंगे पहले। और यहाँ से हमें पूरे नेक पे सिलाई कर लेनी है। क्लॉथ है उसको हम कट कर देते हैं एक्स्ट्रा क्लॉथ को। और यहाँ पे हम कट्स कर देंगे छोटे छोटे। क्लोज करो तुम। तो इसको जो है सीधे के साइड पलट लेना है, इसको सीधा कर लेना है पहले। और अभी हम नीचे से सिलाई करने लगाते हैं। इसको हमें इस तरह से कंप्लीट कर लेना है नीचे के साइड से। फिक्स कर लिया है देखिए कुछ इस तरह से। और यहाँ से हम दोनों को मिडिल में करेंगे, पीछे से हुक में लगाऊंगी इसके लिए।
आप आगे भी हुक कर सकते हैं, आगे फ्रंट ओपन कर सकते हैं, बैक ओपन, आपको जो चाहिए। यहाँ से हम सीधा करेंगे, यहाँ पे हम मार्क करेंगे सीधे का, और ये देखिए यहाँ से हम मार्क कर लिए। अभी हम ये विड्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा हाफ हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करिए। उसके बाद मैं सबको इसी तरह से फिक्स करूँगा। इसको आप इससे नहीं तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। बस करो, हमें फिर यहाँ से पूरे में उस पोटली बटन को अटैच करना है। कुछ इस तरह से हमें पूरे में ही इसको इस बटन को फिक्स कर लेना है। तो मैंने सारी पोटली बटन को कुछ, आप सोच रहे होंगे कि मैं पेचकस से क्या कर रही हूँ, तो मैं पेचकस की हेल्प से थोड़ा सा पुश कर रही हूँ। एक्स्ट्रा क्लॉथ को हम कट कर देंगे। और हम यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। इसको हम पूरे नेक पे कर लेते हैं कि अच्छे से फिक्स हो जाए।
यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से क्रॉस पट्टी कट कर ली है या फिनिशिंग के लिए, और यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया है, और इसको हम पूरे ही नेकलाइन पे कुछ इस तरह से फिक्स कर लेंगे जिससे पीछे की तरफ फिनिशिंग अच्छे से दिखे। ये देखिए अभी हमें इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे तुरपाई कर देनी। आप तुरपाई भी कर सकते हैं, आप स्टिचिंग भी लगा सकते हैं, बट मैं तुरपाई करूँगी जिससे फिनिशिंग जो है कुछ अच्छे से आए यहाँ पे बैठे। और सबसे पहले ये जो हमारे एक्स्ट्रा क्लॉथ हैं उसको हम कट कर देते हैं, इन क्लॉथों का यूज़ नहीं है। और इसे हमें हेमिंग को पूरे नेक पे करना है, तुरपाई को पूरे नेक पे हम कर लेंगे जिससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। यहाँ से थोड़ा सा कट कर दीजिए जिससे थोड़ा फिनिशिंग अच्छे से और आए। यहाँ से अभी हम इसको कट भी करेंगे हुक पट्टी के लिए। ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से रेडी हो गया है, और अभी हम यहाँ पे कमर की स्टिचिंग करेंगे। डोरी अटैच करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम कमर की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये डिज़ाइन हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमें यहाँ पे डोरी अटैच करनी है बस, और ये ब्लाउज़ हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।